क्वेश्चन के अंदर कितनी एक्सीलेशंस होती है, उन एक्सीलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि रोटेटरी मोशन के अंदर तीन एक्सीलेशंस होती है। एक सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है जो ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और एक टेंजेंशियल एक्सीलेशन होती है जो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और एक होती है एंगुलर एक्सीलेशन जो ड्यू टू चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो तीन एक्सीलेशंस होती है, और जो एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल होती है उसको ए परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, और जो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल होती है, जो एक्सीलेशन टेंजेंशियल होती है उसको ए पैरेलल भी कहा जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एक किस्म की एक्सीलेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर तीनों किस्म की एक्सीलेशन हो सकती है, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलेशन हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देखें दो ऐसी एक्सीलेशन हैं जिनका ताल्लुक एक ही वेलोसिटी के साथ है, टेंजेंशियल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। इन दोनों एक्सीलेशन का ताल्लुक किसके साथ है? इन दोनों का जो ताल्लुक है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ है। तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट एक्सीलेशन, इसको कहा जाता है रिजल्टेंट एक्सीलेशन। अब इनको कहा जाता है रिजल्टेंट एक्सीलेशन। इफ इन एनी रोटेटिंग बॉडी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलेशन आर प्रेजेंट, और ये आपको पता है ये उसी सूरत में होगा जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जब नॉन यूनिफॉर्म जो रोटेटरी मोशन होती है तो नॉन यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन के अंदर ये हो सकती है, टेंजेंशियल एक्सीलेशन भी हो सकती है और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन भी हो सकती है। दोनों का जो रीजन है वो एक है, और दोनों जो पैदा होती है वो ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी पैदा होती है, इसलिए इनका हम रिजल्टेंट लेते हैं। तो रिजल्टेंट लेते हैं इनका, जो रिजल्टेंट एक्सीलेशन होगी वो हो जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलेशन स्क्वायर। क्योंकि देखें आपको पता है कि ये इस तरह से पैदा होती है, अगर हम इसको देखें कि कोई भी बॉडी अगर इस तरह से सर्किल में मूव कर रही है इस तरह से, और इसको दोनों अगर एक्सीलेशन होती है, इसको एक एक्सीलेशन सपोज करें, एक एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है टुवर्ड्स सेंटर, और इसकी एक एक्सीलेशन जो होती है वो सपोज करें कि टेंजेंशियल एक्सीलेशन है। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, दोनों का काज कौन सा है? दोनों का काज टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो जाहिर है टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से अगर दो एक्सीलेशन आती है तो उन दोनों एक्सीलेशन का एक रिजल्टेंट भी होना चाहिए, और ये हमारे पास जो होगी ये हो जाएगी रिजल्टेंट एक्सीलेशन ए। और देखें ये इसके दो कंपोनेंट बन गए, जैसे रिजल्टेंट एक्सीलेशन के दो कंपोनेंट बने, कौन से? एक टेंजेंशियल एक्सीलेशन और दूसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। और आपको पता है कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों कंपोनेंट्स का क्या करते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हमारे पास है इनका जो है वो रिजल्टेंट एक्सीलेशन, और रिजल्टेंट एक्सीलेशन किसकी निकलती है? सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और टेंजेंशियल एक्सीलेशन दोनों की, क्योंकि दोनों का जो काज है वो सेम है। ठीक है, अब इसके बाद आपके बुक के अंदर दिए गए हैं लीड्स और लेग्स का कॉन्सेप्ट, के सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन लीड्स दिस वगैरह वो चीजें दी गई है।
उनको हम अब करते हैं कि लीड्स और लेग्स का मकसद क्या होता है। ठीक है, बुनियादी तौर पे ये टर्मिनोलॉजी जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इस्तेमाल होती है, एसी करंट के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल की गई है रोटेटरी मोशन के अंदर। तो हम रोटेटरी मोशन के अंदर देखते हैं कि लीड्स और लेग्स का मकसद क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के टॉपिक का जो एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है आखिरी जो पैरा है, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के टॉपिक का आखिरी पैरा जो है वो लास्ट पेज के ऊपर उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं कि यहाँ पे लीड्स और लेग्स का मतलब क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। इस तरह से हम करते हैं कि कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं क्योंकि हमें इसके डायरेक्शंस बनाने पड़ेंगे। सपोज करें ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी रोटेट करती है सर्किल में, और ये हम बना लेते हैं कि सर्किल के एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, नीचे और लेफ्ट राइट पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अब अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है वो पॉइंट पी पे है। अगर हम देखते हैं तो बॉडी है पॉइंट पी पे। ठीक है, अब पॉइंट पी पे मैं मुख्तलिफ वेक्टर्स बनाता हूं। ये हमारे पास है रेडियस, ये पॉइंट पी पे है रेडियस, रेडियल वेक्टर है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का डायरेक्शन ये होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है और रेडियस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, रिलेशन इनका देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेग्स एंड लीड्स। ठीक है, अब मैं पोजीशन पी की डेटा लेता हूं। एट पोजीशन पी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये थोड़ा टेक्निकल जो है वो सिस्टम है, टेक्निकल मसला है। पॉइंट पी के ऊपर अगर हम यहां पे बनाए, पॉइंट पी के ऊपर इस तरह से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने, ये सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन, वेलोसिटी टेंजेंशियल का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, मींस अलोंग किस तरफ है? अलोंग वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल बना ले अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, वेलोसिटी टेंजेंशियल। ठीक है, रेडियस किस तरफ है? रेडियस है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रेडियस हमने बना लिया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये मैंने जो यहां पे इसके अंदर क्वांटिटीज थी उसको मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, अब आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखें, वेलोसिटी टेंजेंशियल जो होती है उसकी थीटा है 90 डिग्री, या रेडियस से शुरू करते हैं। रेडियस जो होता है ये पोजीशन पी पे रेडियस कौन सी एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या बना रही है? वेलोसिटी टेंजेंशियल बना रही है 90 डिग्री, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन जो है वो कितनी एंगल बना रही है? 180 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी बना रही है? 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई, हमने इसकी पोजीशंस ले ली। अब मैं पोजीशन
दूसरी लेता हूं। अब ये बॉडी रोटेट करके आ गई यहां पे, बॉडी रोटेट करके पोजीशन क्यू पे आ गई, ठीक है। अब रोटेट करके पोजीशन क्यू पे आ गई तो अब बनना है, ये बन गया इसका रेडियस, ये बन गया रेडियस, ये इसकी बन गई वेलोसिटी टेंजेंशियल, और ये बन गई इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पोजीशन पी की हमने ले ली, अब पोजीशन क्यू की ले ले। एट पोजीशन, ये मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ताकि रिजल्ट जो होनी चाहिए वो रिजल्ट भी हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं ऊपर, एट पोजीशन क्यू, क्यू पोजीशन पे क्या होता है, क्यू पोजीशन पे क्या होता है बेटा, देखिए क्यू पोजीशन की आप स्टेटिस बनाए यहां पे इस तरह से, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस मैंने बना लिए। अब अगर मैं बनाता हूं सेम रूल जैसे मैंने यहां पे बनाया था, रेडियस किस तरफ है, रेडियस इस तरफ है, ये रेडियस है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन किस तरफ है, इस तरफ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे की तरफ है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ये है वेलोसिटी टेंजेंशियल, क्योंकि देख ले रेडियस अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी टेंजेंशियल अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं वो अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट्स अब यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी किसी भी जगह पे बना सकते हैं, मैंने सिर्फ दो जगहों पे बनाया। अब देखें अगर आप देखते हैं कि जब रेडियस 0 डिग्री पे है, वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 डिग्री पे है, मीन्स वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 डिग्री आगे है। ध्यान से ये बात सुनिएगा, रेडियस जब 0 पे है, रेडियस कहाँ पे है, रेडियस है 0 पे, रेडियस की एंगल 0 है, वेलोसिटी टेंजेंशियल की एंगल कौन सी है, 90 डिग्री है, मीन्स वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 डिग्री आगे बनी है। पोजीशन रेडियस की पोजीशन 0 डिग्री है, वेलोसिटी टेंजेंशियल की पोजीशन कौन सी है, वेलोसिटी टेंजेंशियल की पोजीशन 90 डिग्री है। यहां पे देख लें, यहां पे मैं लिखूं पहले इसकी डिग्रीज लिखता हूं, रेडियस है, रेडियस की डिग्री 90 डिग्री है, ठीक है, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल की कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी टेंजेंशियल की 180 हो जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन की हो जाएगी 270 डिग्री, और सेंट्रीपिटल फोर्स की भी हो जाएगी 270 डिग्री, ठीक है। यहां पे रेडियस 0 पे, वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 पे, रेडियस 90 पे आ गया, वेलोसिटी टेंजेंशियल कहां पे आ गई, 180 पे आ गई, मींस वेलोसिटी टेंजेंशियल रेडियस से 90 डिग्री आगे भाग रही है। रेडियस 0 डिग्री पे था, वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 डिग्री पे थी, रेडियस 90 डिग्री पे आ गया, वेलोसिटी टेंजेंशियल कहाँ पे चली गई, वेलोसिटी टेंजेंशियल चली गई 180 पे, रेडियस 180 पे आएगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल 270 पे चली जाएगी, रेडियस 270 पे आएगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल 360 पे भाग जाएगी। मीन्स हर पोजीशन पे अगर रेडियस और वेलोसिटी टेंजेंशियल का आप रिलेशन देखोगे तो वेलोसिटी टेंजेंशियल जो होती है वो रेडियस से 90 डिग्री आगे बन रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस 90 डिग्री पीछे बन रहा है, ठीक है। इसको टर्मिनोलॉजी के अंदर ऑलवेज हर जगह पे कोई भी अदर्स कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि वेलोसिटी टेंजेंशियल लीड्स, इसको लीड्स कहा जाता है, मींस आगे वेलोसिटी टेंजेंशियल लीड्स रेडियल वेक्टर बाय 90 डिग्री, कि वेलोसिटी टेंजेंशियल रोटेटरी मोशन के अंदर हमेशा 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है,
या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस लेग्स वेलोसिटी टेंजेंशियल बाय 90, या रेडियस हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल से 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, मींस रेडियस जो होता है उसको फॉलो करता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो लीड करती है। ठीक है, लीडर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, फॉलोअर रेडियस है, रेडियस उसके पीछे भागेगा लेकिन फर्क हमेशा 90 का रहेगा। इसको फिजिक्स मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लीड्स और लेग्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इन दोनों के दरमियान रिलेशन। अब आ जाते हैं दूसरे रिलेशन के ऊपर, देख लें। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और वेलोसिटी टेंजेंशियल के दरमियान देख लें। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दरमियान रिलेशन देख लें। वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन 180 है। देखिए, वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 पे है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन 180 पे। फर्क कितना? 90 का। वेलोसिटी टेंजेंशियल घूम के आई है 180 पे, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे चले गए? 270 पे चले गए। तो इन दोनों के दरमियान भी क्या फर्क है? इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री का फर्क है। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन लीड कर रहे हैं। किसको लीड कर रहे हैं? ये लीड कर रहे हैं वेलोसिटी टेंजेंशियल को। वेलोसिटी टेंजेंशियल 90 पे थी, घूम के 180 पे आई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन भाग के कहाँ पे चले गए? 270 पे चले गए। तो इसको कहा जाता है कि आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लीड्स, ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंशियल बाय 90 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी टेंजेंशियल लेग्स सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बाय 90 डिग्री। इसको लीड्स एंड लेग्स कहा जाता है टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है, आप कहोगे कि वेलोसिटी टेंजेंशियल लीड कर रही है, सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स लीड कर रही है। किसको लीड कर रही है? ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंशियल को। या वेलोसिटी टेंजेंशियल लीड कर रही है किसको? सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब आ जाते हैं, एक और रिलेशन भी बनता है, किसी के दरमियान भी आप रिलेशन बना सकते हैं। रेडियस और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के दरमियान देख ले। रेडियस जब 0 पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे? 180 पे। रेडियस घूम के 90 पे आ गया, दोनों कहाँ पे चले गए? तो 270 पे चले गए। तो इनके दरमियान फर्क 180 का है। तो आप देख ले, रेडियस 0 पे है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स 180 पे है, लीड कर रही है, आगे है इनकी डिग्री। या वो चला जाता है 90 पे रेडियस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन 270 पे चले जाते हैं। मींस लीड कर रहे हैं ये, हमेशा 180 डिग्री आगे ही रहेंगे, रेडियस पीछे भागेगा इनके, लेकिन 180 डिग्री के फर्क से ये आगे भागते रहेंगे। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लीड्स, ठीक है, रेडियल वेक्टर बाय 180 डिग्री। ठीक है, और या आप ये भी कहोगे कि रेडियल वेक्टर लेग्स सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा आप इसका लिख सकते हैं। ये आखिरी पेज के ऊपर लीड्स और लेग्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये हो गई हमारे पास लीड्स और लेग्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये मैंने चीजें लिख दी है, मेहरबानी करके जो कल से मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि इस चैप्टर की कोई एक बात भी नहीं है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी। जो मैंने बोला है वो मैंने लिखा है। ठीक है, जो जो पॉइंट मैंने बोली है वो पॉइंट मैंने लिखी है। अब आप वही चीज पूछते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन का जो है वो क्या ताल्लुक है, तो पीडीएफ को खोल के चेक कर लिया कर। और दूसरी बात कि बच्चे पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एड होगी या नहीं होगी,
देखिए बेटा, मैं कुछ चीजों के अंदर बहुत सख्त जवाब देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि बनता भी है। अब इतने जब कंफ्यूज हो, आपको एक पोस्ट दी, उसके अंदर प्रोजेक्टाइल नाम लिखा हुआ है, हर बुक के पेज लिखे हुए कि भाई इस बुक में इस पेज से लेकर इस पेज तक पढ़ना है। आप उन बुक्स बेचारों गरीबों को खोले तो सही कि उन पेजेस पे क्या लिखा हुआ है। उन पेजेस के अंदर सर्कुलर मोशन है, उन पेजेस के अंदर सर्कुलर मोशन आती है या नहीं आती। अगर जो मैंने पेजेस दिए हैं आपको उनके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई सिंगल टॉपिक भी हो तो बिल्कुल आप उसको पढ़ें। अल्लाह ताला के बंदे, इतने अगर कंफ्यूज हो गए ना कैसे चले। सिर्फ बुनियाद कौन सी कि कल मैंने पॉइंट्स भेजी थी, उनके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी पॉइंट्स आ गई है तो हम कंफ्यूज हो गए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगी। अल्लाह ताला के बंदे, चैप्टर 4 की पॉइंट्स मैंने सिंध बोर्ड की भेजी है तो चैप्टर 4 के अंदर वो पढ़े टॉपिक अभी उनके साथ पॉइंट्स आ गई। अब मैंने गलती की, नेक्स्ट टाइम मैं जो भी टॉपिक होंगे उनके अलग पॉइंट्स दूंगा, कोई चीज साथ नहीं होगी। कुछ ख्याल करें, कोई चीज बनती है वो पूछे, जो नहीं बनती नहीं पूछे। और सिंपल सी बात है, कहीं पे स्क्वायर कभी मिस हो जाता है, पाई स्क्वायर ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, बीच वाली इक्वेशन में मैं लिखना भूल गया, 1500 मैसेजेस आते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अल्लाह ताला के बंदे, मैथमेटिक्स है, उसके रूल ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते। ऊपर स्क्वायर है, नीचे वाली इक्वेशन में स्क्वायर है, बीच वाली स्क्वायर मिस हो गया। अब इतना भी आपके अब ऊपर इतना एतमाद नहीं है कि आप स्क्वायर लगा सको। अगर इतना आपके अंदर एतमाद नहीं है तो कल आप जो इंजीनियर बनेगा वो जहाज बनाएगा उड़ाएगा, किस एतमाद के साथ आप जहाज बना के उड़ाओगे। और जो डॉक्टर बनेगा किस कॉन्फिडेंस के ऊपर वो जाके पेशेंट का ऑपरेशन करेगा, उसको तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैथमेटिक्स की इक्वेशन में ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे स्क्वायर, बीच वाले स्टेप के अंदर स्क्वायर मिस हो गया, या एम या एस या टी कोई भी मिस हो गया। तो फिर आप पूछते रहो यहाँ पे एम होगा एस होगा टी होगा यू होगा वी होगा, ऐसे नहीं करें। कुछ इत्माद होता है, कुछ चीजें बनती है कुछ नहीं बनती, जो नहीं बनती उसके लिए खामखा मैसेजेस नहीं करें, ठीक है। जो बनती है उसके लिए मैसेज करें, जो नहीं बनती उसके लिए मैसेज नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल जो है वो एक्सीलरेशन कंप्लीट। इसके बाद जो है वो हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक तो नहीं है, कुछ एडिशनल टॉपिक इसके पढ़ाने हैं आपको। तो ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, सिंपल सी चीज है, कोई नई चीज है नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मकसद है वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के अंदर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्किल के अंदर रोटेट करवाती है, या जिस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ हो, तो ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप इसको कहोगे कि फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स
सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, इन यूसीएम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल सॉरी फोर्स सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। देयरफॉर वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, न सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, न सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होता है। कल मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के टॉपिक के अंदर कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर तो होता है, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इसी सेम सेंस के अंदर, क्योंकि जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का होता है वही जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, तो वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ तो होगा, लेकिन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ का ये कतई मतलब नहीं होता कि वो हमेशा सेम रहता है। वो टाइम के साथ जो होता है आपने देखा था कल के वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इस तरह से होती है और उसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होता है, इस तरह से, ठीक है। और ये वो फोर्स होती है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होती है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन यही फोर्स चेंज करती है, और डायरेक्शन चेंज करके जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन पैदा करती है वो यही फोर्स पैदा करती है। अब इसके मुख्तलिफ फार्मूले आप कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम ए सी होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ए सी होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा, आर आर में जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं इज इक्वल टू एम आर फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फोर पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एम आर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले आप ये कर सकते हैं, तो इसको आप कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो फोर्स जो रोटेटरी मोशन के अंदर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ होती है, तो उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। अब यहाँ पे कॉमन कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन है। बहुत सारे बुक्स में भी ये लिखा हुआ है के सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक्शन और ये रिएक्शन ऑलवेज बराबर होते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो रिजल्ट सेंट्रीपिटल की नहीं, ठीक है। सेंट्रीपिटल की आप ये नहीं कह सकते कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं कह सकते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वो फोर्स होती है जो तब पैदा होती है जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है, आप कह सकते कि रोटेशन का रिएक्शन,
कि जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशन के नतीजे में जो एक फोर्स पैदा होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जब आप किसी भी बॉडी को सर्किल में घुमाना चाहते हो या सर्किल में घुमाते हो तो उसके नतीजे में एक फोर्स पैदा होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा पैदा होती है इन रिएक्शन ऑफ रोटेटरी मोशन। आप ये नहीं कह सकते इन रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इन रिएक्शन ऑफ रोटेटरी मोशन। आप ये कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में आप घुमाते हो तो सर्किल में मूव करवाने की वजह से एक और फोर्स जनरेट होती है जिस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई भी बॉडी जो सर्किल में रिवॉल्व करती है वो सेंट्रीपिटल की वजह से भी हो सकती है और टेंजेंशियल की वजह से होती है। अगर हम कहें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल की वजह से है तो फिर जब टेंजेंशियल फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये कहें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो जब बॉडी रोटेट करे ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स तो फिर क्यों आती है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई गाड़ी टर्न करती है तो वो गिर जाती है, जब तेजी से टर्न करती है तो गिर जाती है, वहां तो सेंट्रीपिटल तो नहीं होती। तो वहां पे जब सेंट्रीपिटल नहीं होती तो सेंट्रीफ्यूगल कहां से आती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्ट किसकी रिजल्ट है? रोटेटरी मोशन की। कोई भी बॉडी जब सर्किल में रोटेट करने की कोशिश करेगी तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन की फोर्स पैदा होगी और वो फोर्स उस बॉडी को सर्किल में रोटेट करने से रोकने की कोशिश करेगी। तो ऐसी फोर्स आप इनर्शिया कह सकते हैं। इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी के सेंस में इसको ले सकते हैं कि जिस तरह से आप किसी भी बॉडी को सर्किल में रोटेट करवाना चाहो लेकिन वो बॉडी सर्किल में रोटेट न करने की कोशिश करे तो उसके लिए जो फोर्स आती है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जिस जो जब आप किसी भी बॉडी को सर्किल में रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं तो उसको सेंटर से अवे ले जाने की कोशिश जो फोर्स करती है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो वहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है। सेंट्रीपिटल होगी तो सेंट्रीफ्यूगल होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल होगी तो बॉडी रोटेट करेगी, रोटेटरी मोशन का रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पे टेंजेंशियल फोर्स होती है तो उस टेंजेंशियल फोर्स की मौजूदगी में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, वहां पे भले सेंट्रीपिटल ना हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज जिसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स है लेकिन फिर भी उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल है तो वेल एंड गुड, उसके साथ भी सेंट्रीफ्यूगल होगी, सेंट्रीपिटल नहीं है तो भी सेंट्रीफ्यूगल होगी। ठीक है, जहन में बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि रिएक्शन है, लेकिन मैं नहीं मानता रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मकसद है कि फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। आपके बुक सिंध के अंदर, एसटीबी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, बहुत डीप पॉइंट लिखी हुई है सिंध के अंदर। मेरा जाती जो कॉन्सेप्ट है वो एसटीबी के बारे में ये है कि सिंध बोर्ड का जो बुक है बहुत, अगर कोई बंदा समझ सकता है ना तो इसके अंदर हर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो किसी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। इंटरनेशनल बुक से लेकर सिंपल बुक्स तक लिखो, अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी लाइंस लिखी हुई है जिनका अगर आप मकसद समझ सकते हो ना तो बहुत डीप लाइन है। इस टॉपिक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा तब पैदा होती है जब बॉडी की एक्सीलेटेड मोशन होती है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीनियर मोशन के अंदर एक्सीलेशन हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी। ये रोटेटरी मोशन का टॉपिक है। इसका मकसद है कि जब कोई भी बॉडी एक्सीलेशन से मूव करेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल होगी। और आपको पता है कि रोटेटरी मोशन हमेशा एक्सीलेशन के साथ होती है। लीनियर मोशन यूनिफॉर्म विदाउट एक्सीलेशन भी हो सकती है, लेकिन रोटेटरी मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन विदाउट एक्सीलेशन पॉसिबल ही नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी एक्सीलेशन, उसके अंदर तीन एक्सीलेशंस मौजूद है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी कौन सी जो है वो एक्सीलेशन मौजूद है, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन मौजूद। तो रोटेटरी मोशन विदाउट एक्सीलेशन पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन विदाउट एक्सीलेशन पॉसिबल है। तो लाइन देखिए कितनी डीप लाइन लिखी हुई है कि ऐसी मोशन जो ऑलवेज एक्सीलेटेड होगी उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। इसका मकसद है रोटेटरी मोशन की तरफ इंडिकेशन है कि जो रोटेटरी मोशन होती है उसके अंदर हमेशा जो है वो कौन सी जो है वो फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है रोटेटरी मोशन का। ठीक है, अब इसके भी फार्मूले हम देखते हैं, इसका डायरेक्शन देखते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज अवे होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और इसको भी लिखा एफ सी ही जाता है। सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल को फर्क ये उसका टूवर्ड्स है, उसका अवे है। फार्मूले वही बनेंगे इसके भी फार्मूला वही बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ए सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 पाए, ठीक है, एम आर अपॉन टी स्क्वायर, या 4 पाए स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर, ये हो जाएंगे इसके फार्मूले। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सेंट्री फ्यूगल फोर्स जिसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे होता है। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ केसेस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस जो मुख्तलिफ जगहों पे आती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात में जो मैंने आपको कही थी कि जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो सेंट्रीफ्यूगल भी होगी, इक्वल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, टेंजेंशियल फोर्स हो तो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो। मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी धागे के अंदर आप रोटेट करवाते हो, ठीक है, इस तरह से दो एग्जांपल्स हम करते हैं। एग्जाम्पल 1, इसके अंदर सपोज करें बेटा, इसके अंदर कोई भी बॉडी है इस तरह से धागे के अंदर बंधी हुई है, ठीक है, इस तरह से धागे के अंदर जो है वो बंधी हुई है इस तरह से, और ये मटेरियल मीडियम के साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ, बॉडी स्ट्रिंग के साथ है। मैं पहले सर्किल बना लेता हूं बेटा। सपोज करें ये हमारे पास एक सर्किल है, एक बॉडी सर्किल में रोटेट कर रही है इस तरह से, और ये बॉडी किसके साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को आप देते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और इसके नतीजे में इसके अंदर पैदा होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होती है, रस्सी के अंदर टेंशन पैदा करती है। जब आप इस तरह से रोटेट करवाते हो तो रस्सी के अंदर आप सेंट्रीपिटल फोर्स देते हो, रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है
वो उसको बाहर की तरफ खींचती है, तो यहाँ पे एक्शन की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगल नहीं आई, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल किस वजह से आई है, रोटेशन की वजह से आई, और वो उसको क्या करती है, अगेंस्ट खींचती है। जब अगेंस्ट खींचती है तो उसके अंदर टेंशन पैदा होता है, ठीक है। तो ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा टेंशन। तो इस कंडीशन के अंदर देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर बोथ प्रेजेंट, और इस कंडीशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। जब कोई भी बॉडी इस तरह से आप रोटेट करवाते हैं, एग्जांपल हम करते हैं टू, ठीक है। देखिए बेटा, पानी लें किसी बर्तन के अंदर, शरबत बनाते हुए सबने देखा है, ठीक है। दही बनाते हैं घर के अंदर, सबने देखा है। ऐसा नहीं कहिए कि कहिएगा कि हमने दही बनते हुए नहीं देखे, हम शहजादे शहजादियां हैं, हमने कभी दही बनते नहीं देखे, ऐसे नहीं कीजिएगा। दही बनाते हुए सबने देखिए, ठीक है। पानी शरबत बनाते हैं, वो भी आपने देखा है। हो सकता है कोई शहजादे हो ना देखा हो, सिर्फ पिया हो, लेकिन हम सब ने ये चीजें देखी है। अब उसके अंदर जब हम इस तरह से पानी को या दही को घुमाते हैं, तो उसमें हम कौन सी फोर्स देते हैं, उसके अंदर हम टेंजेंशियल फोर्स देते हैं। वाटर के और दही के मॉलिक्यूल इस तरह स्ट्रिंग के अंदर सस्पेंडेड नहीं होते। तो जब ये इस तरह से पानी या दही रोटेट करना शुरू कर देती है, तो आप देखोगे के बर्तन जो होगा उसका बीच खाली हो जाएगा और दही या पानी इस तरह साइड में चला जाएगा, और अगर आप ज्यादा घुमाते जाओगे तो ऐसे ज्यादा बीच में जगह खाली होती जाएगी और पानी किनारों की तरफ चढ़ता जाएगा और आखिरकार बर्तन से बाहर भी निकल सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप दही को या पानी के मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हो, तो आप सेंट्रीपिटल नहीं दे रहे होते, उसको आप दे रहे हो सेंट्री सॉरी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल से रोटेट करवा रहे हो, और वो मॉलिक्यूल को तो कोई भी वहां पे आ नहीं रही, सेंट्रीपिटल तो नहीं आ रही, सेंट्रीपिटल नहीं आ रही, आप उसको टेंजेंशियल की हेल्प से रोटेट करवा रहे हो। तो जब वो रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल ने तो आना है, और सेंट्रीफ्यूगल जब आती है तो वो क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को सेंटर से अवे ले जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को अवे ले जाने नहीं देती, क्योंकि सेंट्रीपिटल उसको बैलेंस कर देती है, लेकिन उसके अंदर सेंट्रीपिटल है ही नहीं, बैलेंस कोई नहीं करता, तो मॉलिक्यूल चले जाते हैं दीवारों की तरफ और बीच खाली हो जाता है। नहीं तो आज तजुर्बा कर लीजिएगा, अगर आपने शरबत बनते हुए नहीं देखा, पानी लेके उसको घुमाइएगा बर्तन के अंदर, आप देखोगे बीच से खाली हो जाएगा, किनारों की तरफ हो जाएगा। ये जो दही बनती है इसमें से जो मक्खन निकलता है, ये भी इसी प्रोसेस की वजह से होता है। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर ब्लड से या मुख्तलिफ चीजों से मुख्तलिफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देके मुख्तलिफ चीजों को अलग किया जाता है। जब उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें, अगर पानी के अंदर मुख्तलिफ चीजें मिक्स करके आप उनको रोटेट करवाओगे ना, तो मुख्तलिफ चीजें डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी के ऊपर, डिफरेंट के ऊपर अलग होती है, और उनको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज करें इस तरह से एक मैं बर्तन लेता हूं, सपोज करें ये टॉप व्यू है बर्तन का, ठीक है। इसके अंदर जब मॉलिक्यूल मैं बनाता हूं, ये सपोज करें कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से पूरे बर्तन के अंदर इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा बर्तन आप समझें कि वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से अब जब हम इनको घुमाते हैं, सपोज करें हम मैं इनको इस तरह से कोई चीज स्पून वगैरह इस तरह से घुमाता हूँ, सपोज करें मैं इनको इस तरह से फोर्स देता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स बनेगी इस तरह से। इस तरह से जब मैं फोर्स दूंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा,
इसका नतीजा ये निकलेगा कि सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी और सब मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस तरह से किनारों की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको इस तरफ ले जाएगी, ठीक है। और बीच जो होता है वो क्या हो जाएगा, बीच खाली हो जाएगा, और यही आर्टिफिशियल ग्रेविटी का सबब बनता है। जब हम जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो वेटलेस बन जाते हैं, तो उनको भी जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी दी जाती है वो इसी प्रिंसिपल से दी जाती है, उनको भी स्पिन मोशन के अंदर रोटेट करवाया जाता है। बीच जो होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखें बीच खाली हो जाता है, क्योंकि सब मॉलिक्यूल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, यहाँ पे सेंट्रीपिटल है नहीं, सेंट्रीपिटल है नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनको ले गई है। तो मैंने जो पहली पॉइंट कही थी कि जरूरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की मौजूदगी में सेंट्रीफ्यूगल आए, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का रिएक्शन नहीं है, बहुत सारे बुक्स के अंदर लिखा है, बहुत सारे टीचर भी आपको बताएंगे। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है, अब आपको सही लगे गलत लगे आपकी मर्जी है। तो ये होता है इस तरह से कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटरी मोशन का रिएक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरी नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पे हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह को, तो इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की गैर मौजूदगी के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई है। यहाँ पे जो हम फोर्स दे रहे हैं ये टेंजेंशियल फोर्स देते हैं इसको घुमाने के लिए, मुख्तलिफ चीजों को रोटेट करवाने के लिए इस तरह से हम देते हैं। तो दोनों कंडीशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के साथ भी हो सकती है इस तरह से, जबकि इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है प्रोसेस इस वजह से होता है। अब इसके अंदर दो जो है वो एक और भी जो है वो केसेस होते हैं, इसके आप स्पेशल केसेस कर लें। स्पेशल केसेस ये होता है कि एक होता है कार या ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व अलॉन्ग रोड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोड के ऊपर कर्व के अंदर मूव करता है, तो उसके अंदर अगर ये चीज होनी चाहिए तो उसको क्या होना चाहिए, उसको तो गिर जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो अब मैं तो नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो गाड़ी जब इस तरह टर्न करती है तो उसको सेंट्रीपिटल तो वो तो किसी चीज से बंधी हुई नहीं होती मॉलिक्यूल्स की तरह, तो उसको तो गिर जाना चाहिए, ठीक है। वो गिरती नहीं है, गिरती भी है नहीं भी गिरती, उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। सपोज करें रोड के ऊपर जब बॉडी इस तरह से मूव करती है, इस तरह से सपोज करें बॉडी जब रोड के ऊपर इस तरह से मूव करती है, ठीक है, ये हमारे पास रोड है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर जब इस तरह से कोई भी कार है या कोई भी गाड़ी है इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सी आएगी, इसके ऊपर आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, इसको इस तरह से ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन गाड़ी क्या होती है, रोड के ऊपर है, तो गाड़ी जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरह से अवे जाने की कोशिश करेगी तो उसके टायर रोड के ऊपर घिसने की कोशिश करेंगे, और टायर जब रोड के ऊपर घिसने की कोशिश करेंगे तो बिटवीन सरफेस ऑफ द टायर एंड सरफेस ऑफ द रोड एक फ्रिक्शन पैदा होगा, और यही फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा अगेंस्ट होती है उस फोर्स की वजह से जिस फोर्स ने उसको पैदा किया है। फ्रिक्शन को यहाँ पे किसने पैदा किया, फ्रिक्शन ऑलवेज प्रेजेंट फोर्स नहीं होती, फ्रिक्शन हमेशा तब पैदा होती है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट में मसला है आपको कि फ्रिक्शन आप समझते हो फ्रिक्शन बस बॉडी रेस्ट में फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन का ताल्लुक किसी चीज से नहीं है, फ्रिक्शन का ताल्लुक मोशन के साथ है। अगर बॉडी मूव करेगी या मूव करने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन पैदा होगी, बुनियाद समझे चीजों का, हर जगह पे फ्रिक्शन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे पेन है ना, आप कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन,
भले रेस्ट में मूव करने की कोशिश ही नहीं करती तो क्यों होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा तब पैदा होती है जब कोई भी बॉडी मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, तो फ्रिक्शन पैदा होती है। यहां पे बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इस तरफ मूव कर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ मूव करने की कोशिश की, तो व्हील्स ने क्या किया, व्हील्स ने रोड के ऊपर घिसने की कोशिश की, और व्हील्स जैसे घिसने की कोशिश करेंगे फ्रिक्शन आ जाएगी, और फ्रिक्शन का काम ही अपोजिशन होता है। फ्रिक्शन क्या करेगी, फ्रिक्शन इसको कहेगी भाई आप इस तरह से नहीं जा सकते, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहां पे आ गई फ्रिक्शन, आपको पता है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर 2 न्यूटन आई, फ्रिक्शन 2 न्यूटन आ जाएगी, रोक लेगी उसको गिरने से। और जब बॉडी इस तरह से यहां पे देखें, अब सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, बॉडी जब यहां पे आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस केस के अंदर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स वाला किरदार करती है, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज देखें सेंटर ऑफ सर्कुलेशन पाथ है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि ये म्यू, क्योंकि ये फ्लैट रोड है, फ्लैट के ऊपर फ्रिक्शन होती है, म्यू इंटो आर के बराबर ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर जब यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाती है तो जब ज्यादा हाई स्पीड होती है तो गाड़ी गिरती क्यों है, फिर गाड़ियां क्यों कल्टी हो जाती है इस तरह से, जब फ्रिक्शन है उसको रोकती है, उसको गिरने नहीं देती, तो फिर फ्रिक्शन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को क्यों गिराती है। देखिए बेटा, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, आपको पता है, फ्रिक्शन की बेसिक्स आपको आती होगी, आपको पता है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, नॉट ऑन वेट, वेट पे नहीं करती, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन वेट के बराबर भी हो सकती है और उससे कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बहरहाल वो जब आएगा तो देखेंगे, है ही नहीं क्या देखेंगे इसको। तो फ्रिक्शन जो होगी, ठीक है, फ्रिक्शन जो होती है उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, अब सपोज करें कि इस गाड़ी के ऊपर फ्रिक्शन जो है वो कितनी आ सकती है, 10 न्यूटन आ सकती है। अगर यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई 5 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन। सपोज करें कि गाड़ी रोटेट कर रही है और सेंट्री फ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv² / r, अगर r और m कांस्टेंट हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स v² के डायरेक्ट रिलेशन होती है। मींस गाड़ी अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ती जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज करें बढ़ के 8 न्यूटन हो गई, फ्रिक्शन बढ़ के 8 हो जाएगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे बॉडी रोटेट करके इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज करें 10 न्यूटन आ गई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन होगी, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लिमिट 10 न्यूटन है। अब अगर गाड़ी और फास्ट जाती है, गाड़ी और फास्ट जाती है और उसके ऊपर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 12 न्यूटन हो जाए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी बढ़ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रही है, ठीक है, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 12 न्यूटन हो गई, तो फ्रिक्शन तो नहीं रोक सकती ना, फ्रिक्शन कहेगी भाई अपनी लिमिट आ गई। अब हम आपको इतनी देर तक रोक सकते थे जब तक आपने 12 न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 10 न्यूटन आती तो हमने उसको काउंटर किया, अब आप जबरदस्ती उसको बढ़ा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक लिमिट थी, हम वहां तक आए, उसके बाद हम नहीं आ सकते, फिर गाड़ी गिर जाती है। बड़े बड़े रोड्स के ऊपर स्पीड लिमिट लिखी होती है, 110 से ज्यादा नहीं जाना। क्या मतलब है उसका, यही मतलब है कि भाई अल्लाह ताला के बंदे, अगर इस रोड के ऊपर आप 110 से जाओगे और आप कोई टर्न लोगे, तो ये रोड आपको इतनी फ्रिक्शन दे देगा कि आपकी गाड़ी गिरने से रुक जाएगी, लेकिन अगर 110 से ज्यादा जाओगे, आपने कभी टर्न लिया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमारे रोड की कैपेसिटी 110 तक आपको फ्रिक्शन देने की है, 110 के बाद आप जाने, आपका काम जाने,
तो लिमिट इसीलिए लगाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो इसके अंदर एक वेलोसिटी की लिमिट होती है। अगर उस वेलोसिटी तक आप बॉडी को मूव करवाओगे तो उस वक्त उस वेलोसिटी की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगी, लेकिन अगर उस वेलोसिटी से आप ज्यादा जाओगे तो उससे आपको फिर जो है वो फ्रिक्शन नहीं बचा पाएगी, फिर जो भी आपके साथ होता है वो आपका नसीब होता है। तो मीन्स एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब तक वो रोड आपको बर्दाश्त कर सकता है। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला हम लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी तो आए ना आए लेकिन एनटीएस के दौर में इसके ऊपर अच्छे खासे टाइम्स जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रिलेटेड टॉपिक है मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम का मकसद है वो वेलोसिटी जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर सके। तो ये वो वेलोसिटी होती है जो आखिरी लिमिट होती है, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के बराबर हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बेटा अगर हॉरिजेंटल रोड है तो म्यू आर होगी, इज इक्वल टू होगी एम वी स्क्वायर अपान आर। अगर हॉरिजेंटल है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपान आर। एम एम में कैंसल, यहां से वी स्क्वायर हो जाएगा म्यू आर इंटू जी, तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रेडिकल म्यू आर इंटू जी। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल कर देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। कार ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर हैविंग म्यू इज इक्वल टू पॉइंट टू। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कौन सी है? ठीक है, कि सेफ वेलोसिटी कौन सी है जिससे आप जा सकते, उससे कम पे जा सकते, उससे ज्यादा से नहीं जा सकते। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? इज इक्वल टू अंडर रेडिकल म्यू आर इंटू जी, मीन्स 0.2, ठीक है, इंटू रेडियस 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 200, 10 अंडर रेडिकल 2 इज इक्वल टू 14.1 मीटर पर सेकंड। मीन्स इस रोड के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा 14.1 मीटर पर सेकंड से जा सकते, इससे ज्यादा से गिर जाओगे। ठीक है, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक वर्टिकल सर्किल का है, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं जस्ट उसको 2 मिनट आप बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि आपका टाइम पहले 5 मिनट ज्यादा हो गया, फिर आप रेडियां करते हो रोते हो, तो मैं आपका इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट आप बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब एक होता है वर्टिकल सर्किल का केस टू। केस टू इसके अंदर होता है वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल का मकसद है, ये जो हम मोशन पढ़ के है ना, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन पढ़ के, एक होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये जो झूले नहीं होते, झूले जो इस तरह बड़े होते हैं इस तरह से, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है। एक होती है हॉरिजेंटल, ये इस तरह से। हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के अंदर ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसकी पॉइंट्स ज्यादा बनेंगी, अब इसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, टाइम हो गया, कल इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि कल एंगुलर मोमेंटम और टार्क के बारे में भी बेसिक्स आपको पढ़नी है क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। तो जो चीजें रिलेटेड है उसको माइंड में रहे। एक और बात बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कहनी थी, जो चैप्टर थर्ड के अंदर मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन उसको माइंड में रखिएगा, उसके केसेस उसको थोड़ा पढ़िए, सिंपल से है क्योंकि ये न्यूटन के लॉ के अंदर आते हैं। न्यूटन का लॉ जब हम कहते हैं ना, न्यूटन के लॉस के मुताबिक ही होते हैं, न्यूटन के लॉ का हिस्सा होते हैं,
लेकिन अपने बुक्स के अंदर अलग किए हुए, लेकिन हो सकता है कि इसको आप फिर चैलेंज नहीं कर सकते कि इसके क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये कि अब आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट करते हो मोबाइल के ऊपर नहीं करें, ठीक है, पीसी के ऊपर करें जिसके अंदर माउस और कीबोर्ड हो। माउस और कीबोर्ड की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन जो टिक करोगे ना वो आप करोगे माउस से, और माउस की प्रैक्टिस के सिवा आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके मोबाइल के ऊपर आप टेस्ट नहीं करें, आप टेस्ट करें कंप्यूटर के ऊपर। अब इसमें किसी बच्चे के पास लैपटॉप होता है, बेटा लैपटॉप पे भी नहीं करें। अब लैपटॉप जिसके पास है ना वो एक काम करे कि कीबोर्ड ले आए और माउस ले आए, वो उसके अंदर लगाए तो वो लग जाता है, यूएसबी का पोर्ट ही होता है, उसी तरह लग जाएगा। तो जिसके ऊपर जिसके पास लैपटॉप है वो माउस और कीबोर्ड दोनों लगाए उसके अंदर, और जिसके पास है ही कंप्यूटर घर में पड़ा है तो वो कंप्यूटर यूज करे। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, 7 से 8 हजार के अंदर कंप्यूटर ले ले। अगर कराची हैदराबाद के अंदर कोई आपका भाई या रिलेटिव कोई भी है, फैसिलिटी आपको, तो 5 से 6 हजार के अंदर जो कंप्यूटर मिल जाता है सुफिशियंट है। आपको कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए, यहाँ पे जस्ट इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, तो 5 7 हजार के अंदर एक नॉर्मल पीसी आजकल मिल जाता है जिसके अंदर आपने वो माउस कीबोर्ड लगाना है और उसको यूज करें। आपके पास वहां पे जो टेस्ट होगी उसके अंदर कीबोर्ड और माउस होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑप्शन आपका ए बी सी इधर उधर हो सकता है। आपसे टिक करने में मसला होगा, आपका टिक करने में टाइम जाएगा, तो इसलिए काइंडली जो है वो मोबाइल के ऊपर अब टेस्ट करना छोड़ दें, ठीक है, तो कंप्यूटर के ऊपर करें जिसके अंदर। अब आपके पास ये मसला होगा सर एक्सपेंसेस हो गई हो, तो अब ये हमारा मसला नहीं है, पीएमसी ने जो भी पैटर्न दिया आपने उसको फॉलो करना है, ये हम और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कीबोर्ड और माउस की प्रैक्टिस होना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं, 3 4 मैं आपको देता हूँ उनकी प्रैक्टिस का।